इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से मैं आज गोरखपुर जिला के अंतर्गत तहसील गोला, विकास खंड गोला, थाना गोला के अंतर्गत ग्राम सभा ऊंचा गाँव में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं हमारे पास जो मौके से उपस्थित हैं, और यहाँ किन कारणों से यह लोग उपस्थित हैं। यहाँ हमारे यहाँ सरकारी जो है ज़मीन है जो अवैध रूप से या कुछ ग्रामीण ही लोग कब्जा किए हैं। अब हम श्रीमान जी से यह दिखाना चाहते हैं, हमारे ग्रामीण कुछ लोग यहाँ हैं जो मौके से सब लोग उपस्थित हैं। यह मकान श्रीमान जी, हम कैमरा मैन से कहना चाह रहे हैं कि श्रीमान जी इसको थोड़ा सा संकलन करें, यह देखें इस पद्धति से। यह मकान इधर का है, इधर भी है श्रीमान जी, और ये मकान इधर भी जो है, यह मकान यह भी देख लीजिए। यह सारी मकान अब किन किन लोगों का है हम स्वतः दिखाएंगे। यह हमारे राजस्व विभाग की टीम जो है, जो गोला तहसीलदार नेकपाल कानगो द्वारा निर्देशित किया गया है। ये ग्राम सभा की किस तरह की जमीन है, देखिए यह मड़ाई अवैध तरीके से, या इधर भी, यहाँ पीछे साइड भी है, दोनों साइड में किस तरह की जमीन है। श्रीमान जी यहाँ भी देखिए, यह सारी जमीनें जिस तरह का है, यहाँ देखिए यह जमीन। अभी मैं कुछ ही क्षण में सर मैं रकबा भी दिखाऊंगा कि रकबा कितने नंबर में है, यह रकबा भी दिखाएंगे। यह मकान देखिए, यहाँ हमारे कुछ उपस्थित। यह चाचा आपका घर है, क्या नाम है आपका, जब खड़ा क्या नाम है चाचा आपका? परमेश्वर। ये कौन गांव है? ऊंचा गांव है। मकान आपका है? हाँ। ये सरकारी जमीन है का? हाँ, बंजर का जमीन है, पूरा गांव में हाई जोन है, बंजर के ही जमीन में है। हाँ। पूरी है, बंजर है, पूरा बंजर की जमीन है। देखिए हमारे एक परिजन है आपके सामने कह रहे हैं, पूरा बंजर की ही जमीन है, और बंजर के ही जमीन में इन्होंने यह अभी अपना बनवाया है, ग्राम सभा के भूमिधर के। यहाँ भी देखिए कि यह भी जमीन ग्राम सभा में है, यह एक ग्राम सभा की ग्राम की जो है यह देव स्थान है, यह पशु के लिए बनाया गया है। ग्राम प्रधान ऊंचा गांव के मौके से उपस्थित हैं, समस्त ग्रामीण के साथ हैं, और समस्त ग्रामीण इसमें मौके से प्रधान जी के साथ हैं। अब इसमें क्या सही है या क्या गलत है, हम प्रधान जी से खुद रूबरू होना चाह रहे हैं। प्रधान जी आपका नाम क्या है? जय सिंह मौर्य। ग्राम सभा सर? ग्राम सभा ऊंचा गांव, ब्लॉक गोला, गोरखपुर जी। यह जमीन सर ग्राम सभा के भीते की जमीन है, जो 130 डिसमिल की अराजी नंबर 251 है, जो अवैध रूप से कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, और जो है सर यह ग्राम सभा की ही जमीन है 251 नंबर। यानी कि 251 नंबर जमीन ग्राम सभा की है, और इसमें अवैध तरीके से ग्राम के ही कुछ लोगों द्वारा यह जो है कब्जा कर लिया गया है। आपका कहाँ घर पड़ता है? ऊंचा गांव। ऊंचा गांव, यह जमीन के बारे में आपको मालूम है? नहीं। आपका क्या नाम भैया? जोगिंदर। यह ग्राम सभा आपका ऊंचा गांव है? हाँ, यह ऊंचा गांव है, डी का बंजर, सारी बंजर सब कोई बसे हैं, यानी कि सारे लोग बसे हैं। सारे लोग बसे हैं। किसी का नाम बताएंगे आप? किसी है इस पे? नहीं, हम किसका नाम बताए, सब कहते हैं नाम बताइए। आप अभी इस पर, आप इसी गांव के हैं ना? हाँ, इसी गांव के। यह जमीन भीटे की जमीन है? भीटे की जमीन है। इसमें करीब करीब पूरा गांव इसी पर आश्रित है, बनाए हैं मकान वकान अपना रहने का, पशुओं के लिए? हाँ, पशुओं के लिए बनाए हैं। प्रधान जो पहले थे यहाँ के जी, रवीश चंद्र दुबे जी, दे गए, और पशुओं को रहने के लिए जगह दे गए थे, उसी पर आधार पर हम लोग बनाए थे यहाँ। क्या रमेश चंद्र दुबे जो पूर्व प्रधान थे, प्रधान जी ने आपको किस बेस पर जमीन दिया? क्योंकि ग्राम सभा का जमीन था, आप भूमिहीन थे, कैसे थे, किस बेस पर उनको जमीन आपको दिया? बसने के लिए दे दिए थे कि इस पर पालो और रहो। कितना ढिसमिल आंकड़ मन होता है ना, ढिसमिल नहीं दिए थे, यानी कि कह दिए थे पूरा जमीन कब्जा कर लो। अरे पूरा जमीन, आपके कहने के मुताबिक हो गया कि पूरा जमीन आप कब्जा कर लीजिए? पूरा गाँव ही, टोला ही ना कब्जा है, जो बंजर की जमीन है पूरा कब्जा है, बंजर की जमीन पूरे लोग कब्जा है। हाँ, कुछ लोगों का नाम बता सकते हैं? और सभी लोग का नाम यहाँ किसी से प्रधान से पूछिए, और सबसे सबका आइए हम प्रधान जी से पूछते हैं, सब सबका घर इसी में। प्रधान जी और कितने लोग इस पर कब्जा दाखिल हैं, जिनका अगर कुछ नाम है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप स्वतः बताने का प्रयास करें।
राम किशोर सनाप निठुरी बलेश्वर सनाप नेऊर दीनानाथ चैतू राजेश राम समुज चुन्नीलाल राम केवल पुण्यवासी दुखी परमेश्वर पल्टन हरिंदर सनाप रमेश्वर नारद सनाप महंगू राजकुमार सनाप हंसराज अवधेश सनाप हंसराज आदि और भी लोग हैं। यानी कि 251 है। ये देखिए श्रीमान जी, गाटा संख्या 251 में यह 130 हेयर की डिसमिल जमीन है और यह दोनों तरफ से बीच में सड़क है, पीच है और पीच के नाते यह दोनों तरफ है और यहाँ दोनों तरफ से गांव के ही लोग कब्जा दाखिल हैं और यहाँ भी ग्राम प्रधान या प्रशासन के द्वारा अभी तक यह जमीन खाली नहीं हो पाया है। अब हमको यह पता चलेगा जब कागज के बारे में इसकी पूर्णता जब जानकारी लेंगे तब हमको मालूम होगा कि यह जमीन किन कारणों से खाली नहीं हो पा रहा है। यह हम यह चाहना चाहिए इन लोगों का थोड़ा सा वीडियो सबका ले लीजिए, सारे लोग ग्रामीण आपके सामने हैं, सब लोगों का फोटो कम से कम आ जाए। सभा के तमाम लोग यहाँ उपस्थित रहे जी, कहे कि नेपाल को अवगत करा दिए हैं और नेपाल को अवगत कराने के बाद जो है नेपाल ने अपना प्रोफाइली जो भी चीज़ें हैं जो भी नंबरान है वह देख करके फाइल कंप्लीट करके एसडीएम के द्वारा तहसीलदार द्वारा आदेश होगा, आदेश के द्वारा जो भी न्यायपालिका खित में आएगा उसको आकर के स्वागत करेंगे। आइए हम अपने इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से मैं प्रधान जी को या पूरे ग्रामवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और हमारे चैनल में समय देने के लिए समय बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर मैं इंडियन टीवी से लाके खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।